हिंदुस्तान में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कई धर्म के लोग मौजूद हैं और रोजाना अनेक अनेक त्योहारों की लंबी फहरिस्त यहाँ पर मौजूद है। तो अगर बात की जाए इस्लामिक धर्म की तो यहाँ पर भी विशेषतः हम ईद बकरीद को ही जानते हैं, लेकिन इस धर्म में भी कई ऐसे त्योहार हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इसे मनाया काफी धूमधाम से जाता है और इसकी काफी विशेषताएं हैं, तो जिसे ही जानेंगे आज हम हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं बीसीएल न्यूज। तो हाल ही में अभी त्योहारों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो अभी सबसे पहले जो इस पर्व पर हम मौजूद है तो यहाँ पर शुरू होने जा रही है शबे मेराज। तो ये शबे मेराज क्या है, मेरे ये कहते ही शायद बहुत से लोग होंगे जो ये लफ्ज पहली बार सुन रहे होंगे, तो इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो शबे मेराज क्या है, इस बारे में पूरी विशेषतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है मुस्लिम समाज से धर्मगुरु मौलाना हाफिज अब्दुल वहीद अंसारी साहब का, ये उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपका बीसीएन न्यूज में बहुत बहुत इस्तकबाल है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कि शबे मेराज ये लफ्ज क्या है और ये त्योहार आखिर में है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के ज़रिए जो आपने शबे मेराज के बारे में मालूमात के बारे में जो आपने हमसे दरियाफ्त किया, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बारे में जो शबे मेराज आने वाली है ये हमारे लिए बहुत ही अजीम और बहुत ही बड़ा त्यौहार तो है ही, लेकिन ये एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में किसी को नहीं दिया सिवाय अपने महबूब अपने अजीम पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और इसका बयान अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1, सूरह नजम आयत नंबर 7-8-9 में तफसील से बयान किया है कि शबे मेराज, शब कहते हैं रात को और मेराज कहते हैं और वो जो इर्तका बुलंदी पर पहुंचने को, तो इस रात में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बुलंदी अता फरमाई कि उन्हें अपने पास बुलाया, उरूज इर्तका बुलंदी मेराज उरूज से बना, तो इसीलिए इस रात को शबे मेराज कहा जाता है। शब के माने रात होता है और मेराज के माने मुलाकात की रात, अल्लाह ने अपने महबूब से मुलाकात फरमाई, महबूब ने अपने खुदा को देखा, इसलिए इस रात को कहा जाता है शबे मेराज। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी इस रात को विशेष रूप से क्या किया जाता है और किस तरह आप लोग इस त्योहार को मनाते हैं। असल में ये रात जो है ये इबादत की रात है। इस रात में हमारे घर की ख्वातीन, हमारे बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, जितने भी लोग हैं इस रात में, क्योंकि इस रात में अल्लाह ने अपने महबूब को ये नेमत दी, तो हम इस उम्मीद से अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने क्या कहते हैं अपने चेहरे को रख कर, अपने पेशानी को रखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला जिस तरीके से तूने अपने महबूब को मेराज के शर्फ से नवाजा है, उसी तरीके से मौला इस अजीम रात में हमें भी अपने रहम व करम से और अपनी नेमतों से माला माल। जिस तरह ये शबे मेराज है तो रमजान के महीने में कई सारी रातें आती है, तो उसमें और शबे मेराज में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है ये बताना चाहिए। देखिए, शबे मेराज ये वो रात है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया, ठीक है, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, और इसके बाद आती है शबे बारात जो अगले महीने में ही है, उसके बाद रमज़ान आता है जो शबे कदर वाला महीना है जिसमें शबे कदर है। वो हर एक रात की जो फजीलत है वो अपनी जगह मुसल्लम है और अजीम फजीलत है,
लेकिन इस महीने के बारे में, रजब का जो महीना चल रहा है जिसमें शबे मेराज है, इसके बारे में हमारे नबी, हमारे पैगंबर ने फरमाया कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है ना सुन। तो इस तरीके से ये तीनों महीने में एक एक रात है जिस रात में मुसलमान इबादत करके अपने रब को राजी करता है और अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। तो जो शब है, शब मेरे लिहाज से, और शब का मतलब रात होता है, तो शबे बरात, शबे मेराज, तो ये रात में मनाई जाती है या उस पूरे दिन का, ये क्या ये रहस्य क्या है ये बताइए। ये शब माने रात होता है, तो 27वीं शब यानी सूरज गुरूब होने से लेकर जो शुरू होता है वो शब, उसको कहा जाता है शबे मेराज, दिन को नहीं कहा जाता, रात को, क्योंकि मेराज जो हुई वो रात में हुई, तो इसलिए रात में ही शबे मेराज का इतलाक जो है वो रात को होता है और रात भर जो है मुसलमान इस रात में इबादत करते हैं, अपने रब को राजी करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो रात को ही शबे मेराज कहा जाता है। तो क्या इन रातों में भी रोजे रखे जाते हैं या इन रातों को सिर्फ इबादत और परहेजगारी? नहीं, रोजे तो दिन में रखे जाते हैं मोहतरमा, रात में रोजे नहीं होते। मुसलमानों के रोजे जो है वो दिन में होते हैं, 26 और 27 दो दिन रोजे रखते हैं मुसलमान, तो रोजा जो है मुसलमानों का दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। तो दो रोजे रखे जाते हैं, 26 या 27, या फिर आप 27 या 28 रखो, दो रोजे रखे जाते हैं। जैसे कि अभी महाशिवरात्रि भी शुरू होने वाली है, तो देखा जाता है कि लोगों को एक लगता है कि इन रातों में जगना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रातों को सिर्फ जगना है या इबादत करना चाहिए? ये दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें ये बात किस तरह आप समझाएंगे? नहीं नहीं मोहतरमा, देखिए मैं आपके न्यूज के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे अंदर ये आम है कि जैसे शबे मेराज की रात हो या शबे बरात या शबे कद्र, तो हमने क्या बना लिया है एक कि जगने वाली रात। हालांकि ये जगने वाली रात नहीं है बल्कि इबादत वाली रात है। ये मैं अपने भाइयों से, अपने कौम मिल्लत के नौजवानों से सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हमने ये जहन बना लिया है कि ये जगने वाली रात है, और जगने वाली रात तो हम पांडेलों पे खड़े रहते हैं, चाय की दुकानों पर गाड़ियां लेकर रोड पर दौड़ाते हैं, ये जगने की रात नहीं है बल्कि ये इबादत की रात है। ये हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा कि जगने वाली रात नहीं है बल्कि क्या है, ये इबादत वाली रात। तो देखा आपने, हमें शबे मेराज बहुत से लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चल जाएगा और किस तरह इस रात में इबादत की जाती है, हमने वो भी जाना। तो मौलवी साहब, हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग इस बारे में नहीं जानते, जो जानते हैं, तो उन लोगों को आप इस शबे मेराज पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस हम कौम मिल्लत के नौजवान, ख़ास तौर से नौजवानों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए ये रातें जो हैं साल में एक मर्तबा आती हैं, और इन रातों को इस तरीके से ज़ाया और बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इन रातों में जहां तक हो सके इबादत करके, रियाजत करके, तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां तक हो सके अपने लिए, अपनी कौम के लिए, सारे कौम मिल्लत के लिए, सारे विश्व के लिए, शांति के लिए दुआ मांगना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी विश्व में बड़ा ही तहलका मचा हुआ है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए जितना भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके हम उनकी मदद करें, तो दुआ करना ये भी एक मदद है। तो मैं अपने कौम से और तमाम लोगों से, जो लोग भी इस चैनल के जरिए हमारी बातों को सुन रहे हैं, ख़ास तौर से मैं अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों से, बुजुर्गों से, बच्चों से सबसे ये अपील करूँगा कि चाहे वो शबे मेराज की रात हो या शबे बरात की रात हो या शबे कद्र हो या कोई भी ऐसी अजीम रात हो जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता हो, तो हम पर ये ज़रूरी है कि अपने रब की बारगाह में दुआ करें और अपने के रब को राज़ी करने की कोशिश करें, और तमाम मखलूक के अमन व अमान के लिए, तमाम दुनिया के अमन व अमान के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों को नेक और बेहतर ज़िंदगी अता फरमाए। बस यही मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हमें, आपको और तमाम लोगों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे।
बहुत बहुत मौलवी साहब शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ हाफिज अब्दुल करीम साहब, जिन्होंने हमें शबे मेराज से जुड़ी हर एक बातों को बताया। तो जिस तरह अभी शबे मेराज आ रही है और वही महाशिवरात्रि भी है, तो ये जो सारी रातें हैं, चाहे हर कोई समाज का हो, ये एक ही संदेश है कि इन बड़ी रात जो रात है ये बड़ी पवित्र, बड़ी ही पाक मानी जाती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको ज्यादा से ज्यादा इबादत हो या फिर जो भी आस्था श्रद्धा हो, अपने अपने धर्म का पालन कर इन्हें व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये रातें बहुत अहम है। तो इन रातों को ऐसे व्यर्थ ना जाने दीजिए और इसमें जो भी आपके कार्य है, जो भी आपसे बन सके जरूर करें। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अन्य नई पेशकश के साथ। ये थी हमारी रिपोर्ट, कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सर वहीद अंसारी, NBCN न्यूज नागपुर।